हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी ये एप्लीकेशंस मौजूद हैं इनके ऊपर दोस्तों हम लोग जो है चाहते हैं कि हम डॉट जो है यहाँ पर या नंबर्स के तौर पे दोस्तों एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। सो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है इसके ऊपर नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है फोन के ऊपर। अब दोस्तों आप किसी भी कंपनी का फोन यूज कर रहे हो जिसमें दोस्तों आप लोगों को लग रहा है कि हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाओ। और ये ऑप्शन आपको कैसे ढूंढना है कि हम लोग मतलब ऐप आइकन्स के बैजेस को कैसे हम जो है इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास नोटिफिकेशन आती है उसके ऊपर एक दो तीन जितनी भी नोटिफिकेशन है वहां पर हमें लिखे नजर आने चाहिए, या वहां पर आप डॉट को अप्लाई करना चाहते हो या नंबर्स को अप्लाई करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, आपने अपने फोन की सेटिंग में आना है। इससे पहले दोस्तों अगर देखा जाए जिन लोगों के फोन्स के ऊपर अगर नहीं है सेटिंग तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर दोस्तों आप लोगों को सर्च करना है आइकन, यहां पर ऐप आइकन बैज सर्च कर देना, ठीक है। यहां पर आप जैसे ही यहां पर जो है ऐप यहाँ पर आइकन यहाँ पर बैजेस आप जैसे आप सर्च कर दोगे आपके पास दोस्तों यहाँ पर जो है वो एक एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं, लेकिन जस्ट और दोस्तों यहाँ पर आपको ये वाली जो है वो एप्लीकेशन का यूज़ करना है। ये पहली जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिली है इसका यूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ से आ जाना है बैक। जिन लोगों के फ़ोन के ऊपर सेटिंग नहीं होगी तो मैं उन लोगों के लिए बताया, लेकिन जिन लोगों के ऊपर होगी तो वो कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग को ओपन करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन सर्च करना है या दोस्तों यहाँ पर आपको होम स्क्रीन सर्च करना है। लेकिन अगर आपको सर्च का ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन इस तरीके से ढूंढ लेना है। ये नोटिफिकेशन मुझे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि मुझे इस जगह पर जो है वो ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर दोस्तों मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बैजेस का ऑप्शन इस सेटिंग के ऊपर मुझे नहीं देखने को मिलता। लेकिन कुछ लोगों को यहां पर शो यहां पर जो है वो होम स्क्रीन आइकन बैजेस का यहां पर एक फीचर देखने को मिल सकता है, तो वो लोग यहां से क्लिक कर सकते हैं। यहां पर एडवांस सेटिंग्स के ऊपर भी आके वो लोग यहां से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यहां पर तो वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अब जिस तरह से दोस्तों शो ऐप आइकन इन नोटिफिकेशन देख सकते हो, ये वाला फीचर दोस्तों आपको इनेबल कर देना। उसके बाद दोस्तों ऐप आइकन बैजेस का ऑप्शन देखने को मिला, आपने इस पर भी क्लिक करना है, देख सकते हो ये वाला, यहां पर क्लिक करना है, इसको ऑन कर देना है, और शो ऐप आइकन इन नोटिफिकेशंस आपने इसको भी इनेबल करना है, इसको भी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहां पर आपको नंबर और डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप डॉट के तौर पर नोटिफिकेशन सर्च करना चाहते हैं, यानी कि दिखने को मिले डॉट्स आपको, लेकिन आप चाहते हो कि नंबर के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी आपके पास नोटिफिकेशन आए उसके नंबर शो हों, ठीक है। यहां पर आपने नंबर को करके नोटिफिकेशन ऑन ऐप आइकन्स आपने इस पे क्लिक कर देना है, आपने इसको भी ऑन कर देना। अब ये ऑन हो चुका है। अगर आपको एडवांस सेटिंग में यहां पर भी ये ऑप्शन ना मिले तो फिर आपको करना क्या है, यहां पर आपको होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना है, इस पे क्लिक करोगे नीचे आओगे, यहां पर दोस्तों मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐप आइकन बैजेस का, देख सकते हो, इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहां पर ये ऑप्शन मुझे सेम ही वो देखने को मिल रहा है, तो यहां से भी आप इसको इनेबल कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये फीचर या ऑप्शन ना मिले तो फिर दोस्तों आपको जस्ट इतना ही करना होगा कि आप लोग जाएं वहां पर प्ले स्टोर में जो आपको स्टार्टिंग के ऊपर एप्लीकेशन बताई उसको इंस्टॉल करना, और सेम सेटिंग आपको यही मिलेगी, आपने उसको एनेबल कर लेना है।